वेलकम बैक डियर एस्पिरेंट्स। एनसीईआरटी के इस लेक्चर सीरीज में आज हम क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 9 कवर करेंगे, जिसका नाम है लाइफ इन द डेजर्ट। रेगिस्तान में जीवन किस प्रकार का होता है, इसको हम आज देखेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रेगिस्तान जैसा शब्द जब हमारे सामने आता है तो हमारे जहन में गर्मी, बहुत ही ज़्यादा बालू, सैंड, यही सब दिमाग में हमारे आते हैं, और पेड़ पौधे बहुत ही कम होते हैं। बहुत ही हार्श क्लाइमेट का एक पिक्चर हमारे माइंड में बनता है। तो ठीक उसी प्रकार से डेजर्ट का कुछ सिस्टम है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस इसमें नहीं है। तो डेजर्ट क्या होता है, एक बहुत ही एरिड द शुष्क रीजन होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई और लो टेम्परेचर से भरा होता है, और इसके साथ ही साथ यहाँ पर वेजिटेशन जो है काफ़ी स्कार्स होते हैं, काफ़ी कम होते हैं, काफ़ी फैले हुए होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होते, दूर दूर होते हैं और थोड़े थोड़े होते हैं। टेम्परेचर काफ़ी हाई भी होता है और टेम्परेचर काफ़ी लो भी होता है, ये दोनों चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। कैसे एग्जिस्ट करती हैं इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो एग्जांपल समझेंगे हम, सहारा डेजर्ट का लेंगे, और इसी के माध्यम से हम एक डेजर्ट कैसा होता है, किस प्रकार की वहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, वेजिटेशन कंडीशंस होती हैं, पीपल वहाँ कैसे होते हैं, ये सब चीज़ें हम सहारा डेजर्ट के माध्यम से समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सहारा डेजर्ट आप सभी ने कहीं ना कहीं मैप पर देखा ही होगा, और ये आप देखेंगे तो जो हमारा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट आप देखेंगे कि वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एरिया वाइज। और यह डेजर्ट जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट भी है, क्योंकि इसका जो एरिया है वो लगभग 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। आपने देखा कि इसका एरिया 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। आपने इससे पहले पढ़ रखा है दैट इंडिया का टोटल एरिया कितना है, 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये अब इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो सहारा डेजर्ट है ये लगभग इंडिया का लगभग कह सकते हैं ढाई गुना बड़ा है, इंडिया से ढाई गुना बड़ा है। तो इसके आधार पर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना बड़ा ये डेजर्ट होगा। तो इसलिए ये वर्ल्ड का क्या है, सबसे बड़ा डेजर्ट है। और ये जो डेजर्ट है ये 11 देशों में फैला हुआ है, टोटल 11 कंट्रीज से इसकी सीमाएं लगती हैं, जिनका नाम है अल्जीरिया, चाड, इजिप्ट, लीबिया, माली, मारुतानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया एंड वेस्टर्न सहारा। तो ये जो कंट्रीज़ हैं इनसे ये सहारा वाला पार्ट, सारा रेगिस्तान का पार्ट लगा हुआ है। और ये जो पूरा सहारा रीजन है ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, अफ्रीका महाद्वीप के नॉर्थ वाले हिस्से में पाया जाता है। तो इन चीज़ों को हमने देख लिया। अब इस चीज़ को आपने समझ लिया कि कितने देशों से मिले हुए हैं और कितना इनका एरिया है, इन सब चीज़ों को आपने देख लिया। अब आप जानते हैं कि जो डेजर्ट होता है, जो रेगिस्तान होता है, वो मेनली जो है उसमें सैंड पाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं केवल सैंड ही पाए जाते हैं, असल में उसमें ढेर सारे छोटे मोटे कंकड़ पत्थर भी कुछ जगहों पे पाए जाते हैं। कुछ जगहों पे कुछ स्पेशल प्रकार की एक आकृति मिलती है जिसे हम ऑसिस कहते हैं, जहाँ पे थोड़ा सा पानी भी होता है और किनारे किनारे कुछ पाम ट्रीज वगैरह भी होते हैं। कुछ जगहों पे बिल्कुल रॉक जैसा, चट्टान जैसी हमें संरचनाएँ मिलती हैं। तो अलग अलग चीज़ें भी मिलती, केवल यहाँ पर रेत ही नहीं मिलते हैं, इस बात को भी ध्यान रखें। एक चीज़ और, आज जो ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित सहारा रेगिस्तान हमें इतना ज़्यादा एरिड दिखाई देता है, इतना ज़्यादा शुष्क दिखाई देता है, यहाँ पर जो है जो जल है वहाँ उसकी बहुत ही कमी है, लेकिन ये ऐसा हमेशा से नहीं था। ऐसा क्यों? क्योंकि जब साइंटिस्ट ने यहाँ पर खोजबीन की तो उन्हें जो है मछलियों के कंकाल मिले हैं। अब मछलियाँ सभी जानते हैं कहाँ रहती हैं, जहाँ पर पानी की बहुत ही ज़्यादा अधिकता हो। तो ये आप सरप्राइज हो जाएंगे इस बात को जानकर कि यहाँ पर एक समय ऐसा था जब बहुत ही ग्रीनरी रहा करती थी, काफ़ी लस ग्रीन प्लेन हुआ करता था, और यहाँ पे जो केव पेंटिंग्स हैं, जो यहाँ पे गुफाओं में बनाई गई जो पेंटिंग्स हैं, उन पेंटिंग्स में आप देखेंगे कि रिवर का इस्तेमाल किया गया है विथ क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल रिवर्स में रहते हैं, एलिफेंट्स का इस्तेमाल किया गया है, एलिफेंट्स की आकृति, लायंस, जिराफ, ऑस्ट्रिस, शिप, कैटल, गोट्स, ये सब कॉमन एनिमल हैं जिनको वहाँ पे ड्रॉ किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि ये समय के साथ साथ इतना ड्राई हो गया, असल में इतना ड्राई हमेशा से नहीं था। इस फिगर को आप देख लें, यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, और इस अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में यहाँ एशिया वाला हिस्सा हमें देखने को मिलता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये यहाँ से पास हो रहा है, और यहाँ पे जो ये आपको कैमल कलर का जो कलर दिख रहा है, इसमें ये सारा जो सहारा डेजर्ट है उसका हिस्सा फैला हुआ है। तो सोमाली कंट्री, इरिट्रिया,
सूडान, इजिप्ट, लीबिया, चाड, नाइजर, अल्जीरिया, माली, मारुतानिया, वेस्टर्न सहारा और मोरक्को। तो इन कंट्रीज में जो है सहारा डेजर्ट क्या हुआ है, फैला हुआ है। ओके, तो इसे आप ध्यान रखेंगे कि ये नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीकन में स्थित है। ओके, एक प्लेस है लीबिया में जिसका नाम है अल अजीजिया। अल अजीजिया ये क्यों फेमस है, क्योंकि 1922 में यहाँ पर 57.7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था, जो कि हाईएस्ट है वर्ल्ड में। ओके, तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड करने वाला जो प्लेस है वो कौन सा है, अल अजीजिया, जो कि लीबिया में है, और इसका टेम्परेचर लगभग 58 डिग्री माना जाता है, 58 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। तो सोच सकते हैं कितना ज़्यादा हाई टेम्परेचर यहाँ पर होता है। क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट देखिए बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, ड्राई भी होता है। यहाँ पर रेनी सीजन बहुत ही छोटा होता है, बारिश बहुत ही कम होती है। जो आकाश होता है वो बहुत ही साफ होता है, वहाँ पर बादल नहीं होते। अब जब बादल नहीं होगा तो मॉइस्चर इत्यादि जो है वो जल्दी एटमॉस्फेयर में रुकेंगे ही नहीं, वो जो भी होगा सनलाइट की वजह से सब इवेपोरेट होकर निकल जाएगा ऊपर, तो बादल ज़्यादा है ही नहीं, तो एक तरह से बारिश की भी यहाँ संभावना ख़त्म हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों की वजह से आप देखेंगे कि दिन में जब सूर्य की रोशनी आती है तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ जाती है, टेम्परेचर 50 डिग्री से पार जाना बहुत ही अहम बात है। ओके, और नाइट के टाइम पे चूँकि बादल इत्यादि नहीं है तो जो हीट आई हुई है सन से उसको रोकने में ये असक्षम हो जाते हैं यहाँ के इसके आसपास के वातावरण, जिसकी वजह से क्या होता है पूरा जो रेडिएशन हो जाता है, जितना हीट भी अर्थ ने अब्जॉर्व किया होता है इस प्लेस पे, सारा वो रेडिएट कर देती है। तो जो टेम्परेचर होता है रात का वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है, 0 डिग्री तक भी टच कर जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ठंड पड़ता है। तो दिन बहुत ही गर्म, रातें बहुत ही ठंडी, लगभग 0 डिग्री तक रातें पहुँच जाती हैं। तो ये क्लाइमेट यहाँ का है। ओके, इसको भी ध्यान रखेंगे। फ्लोरा फौना की बात करते हैं कि किस प्रकार के यहाँ पे पेड़ पौधे एनिमल्स इत्यादि मिलते हैं। तो सारा डेज में देखिए कैक्टस, डेट पाम्स और एकेसिया, ये कुछ प्लांट्स हैं जो यहाँ पे मिलते हैं काफ़ी बड़े मात्रा में। और ये प्लांट्स जो हैं इनमें कुछ खासियत इस प्रकार की होती है कि ये कम पानी में भी जीवित रह सकते हैं और अपने फल को ही दे सकते हैं। ओके, और इसमें बात करें अगर एक वर्ड हमें दिखाई देता है जिसका नाम है कहाँ गया, ओआसिस करके एक वर्ड है। तो हाँ, इस वर्ड में आप ध्यान रखें ये एक प्रकार का बड़ा ही स्पेशल टाइप का एक आइलैंड टाइप होता है, एक ग्रीन आइलैंड होता है। इसमें होता है क्या है कि जब हवाएं लगातार, मान लीजिए ये सहारा डेजर्ट है, ओके ये सहारा डेजर्ट है, लगातार हवाएं चल रही हैं और यहाँ से सैंड को उड़ा करके ये किसी और जगह ले जा रही हैं। जब ऐसा होगा सैंड को उड़ा कर किसी और जगह ले जाएंगी तो धीरे धीरे यहाँ पर क्या होगा, गहराई बढ़ती जाएगी, और जब गहराई बढ़ती जाएगी एक समय ऐसा आता है इतना गहराई हो जाता है कि नीचे से पानी यहाँ पे आ जाता है ऊपर। ओके, नीचे वाला जो पानी ऊपर आ जाता है, तो ये कुछ इस प्रकार की आकृति बनती है। अब ये इसको आप देखें तो ये ऐसी कुछ आकृति बनेगी। ओके, तो यहाँ पे एक गहराई में जो है हमें ढेर सारा पानी मिलने लगता है, और जब ऐसा होता है तो इस पानी के किनारे पाम ट्री वगैरह लगा दिए जाते हैं, डेट्स के ट्री वगैरह लगा देते हैं, और यहाँ पे लोग बसना शुरू कर देते हैं, खेती भी करते हैं। तो इस प्रकार की स्पेशल आकृतियों को जो कि डेजर्ट में मिलते हैं उनको कहते हैं ओआसिस, इसको ध्यान रखेंगे। कौन कौन से एनिमल्स मिलते हैं, कैमल मिलते हैं, हिनास बोलते हैं, जैकल्स हैं, फॉक्सेस हैं, स्कॉर्पियंस हैं, ये इस प्रकार कुछ अलग अलग वैरायटी के यहाँ पे एनिमल्स भी हमें दिखाई को देते हैं, और अलग अलग टाइप के हमें स्नैक्स और लिजार्ड भी मिलते हैं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। ओके, और इसमें हमें वो स्नैक भी मिलते हैं जो कि डेजर्ट के अंदर घुसते रहते हैं। अच्छा, हमने बताया कि जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने यहाँ पे फिश के स्केलेटन्स को, फिश के हड्डियों को प्राप्त किया है, तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक समय ऐसा हुआ करता था जहाँ पर कि यहाँ पे पानी से भरा हुआ क्षेत्र हुआ करता था, आज यहाँ पे चीज़ें डिफरेंट हैं। अच्छा, पीपल की बात करें कि यहाँ पे लोग जो हैं कैसे हैं, ये देखिए यहाँ पे जो आकृति दिख रही है यही है ओआसिस। यहाँ पर थोड़ा सा जल निकल गया जिसके बाद आप देखें किनारे किनारे पाम टी वगैरह लग गए हैं, और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा वेजिटेशन यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, और लोग यहाँ पे रहने लगते हैं, थोड़ा सा खेती वगैरह भी लोग करते हैं। पीपल की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी, चूँकि हार्श क्लाइमेट है, इसके बाद भी यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, खास करके बेद्यून्स रहते हैं। बेद्यून आपने सुना होगा, ये एक प्रकार के खास लोग होते हैं जो कि घुमंतु टाइप के होते हैं। बेद्यून्स हो गए, टुआरेज हो गए, ये घुमंतु होते हैं, एनिमल्स को पालते हैं, एनिमल्स के खाने के लिए इधर से उधर, एक इधर से उधर, एक जगह से दूसरी जगह पर ये जाते रहते हैं। और कौन कौन से एनिमल्स ये रियर करते हैं, गोट हो गए, शिप हो गए, कैमल हो गए, हॉर्सेज हो गए, इस प्रकार के एनिमल्स का ये यूज करते हैं। इनको लेकर के ये गली गली नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में घूमते रहते हैं, और इन्हें कहते हैं बेद्दू या टुआरेस भी, दो प्रकार के ये लोग होते हैं। इनसे एनिमल्स से क्या प्राप्त करते हैं, ये मिल्क प्राप्त करते हैं,
और इनकी चमड़े से ये बेल्ट, स्लीपर, वाटर बॉटल बहुत सी चीज़ें बनाते हैं। और साथ ही साथ इनका जो बाल होता है एनिमल्स का, उनके बाल से मैट्स को बनाया जाता है, कारपेट्स बनाए जाते हैं, क्लॉथ्स, ब्लैंकेट, ये सब बनाए जाते हैं। ओके, और ये जो होते हैं यहाँ पे जो लोग होते हैं, बहुत ही हैवी रोप्स वाले क्लॉथ पहनते हैं, बहुत ही मोटे कपड़े पहनते हैं, ताकि इनकी जो बॉडी है वो सुरक्षित रह सके डस्ट स्टॉर्म से, जो धूल भरी आंधियाँ आती हैं, और हॉट विंड से, जो बहुत ही ज़्यादा लू वाली जो हवाएं चलती हैं उनसे इनकी इनके शरीर की रक्षा हो सके, इसलिए ये बहुत ही मोटे कपड़े पहनते हैं। ओके, ओआसिस की बात करें तो ओआसिस देखिए सहारा वाले क्षेत्र में और जो नील वैली है इजिप्ट में, उन क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा सेटल्ड हैं, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे रहते हैं। ओके, और यहाँ पर जो डेट पाम से इसको काफ़ी ग्रो किया जाता है, और राइस, वीट, बार्ले, बीन्स भी कुछ ऐसी फसलें हैं जिसको यहाँ पर उगाया जाता है। और इजिप्टियंस जो है इजिप्टियन कॉटन काफ़ी उगाते हैं, इजिप्टियन कॉटन काफ़ी फेमस है और ये वर्ल्ड वाइड बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पॉपुलर भी है। ओके, डिस्कवरी ऑफ ऑयल, ऑयल काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मिलता है, जो कि एक बहुत ही खास एक बात है पूरे सेंट्रल एशिया की, और ऑयल की वजह से ही एक तरह से इनकी इकॉनमी कहीं ना कहीं ड्राइव होती है, बहुत ही ज़्यादा ऑयल पे इन डिपेंडेंट भी हैं। ओके, तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, जैसे अल्जीरिया हो गया, लीबिया, इजिप्ट हो गया, ये लगातार जो है एक ट्रांसफॉर्म भी कर रहा है अपने आप को, ऑयल इत्यादि की वजह से इनके पास रेवेन्यूज आ रहे हैं, इसके बाद ये धीरे धीरे मॉडर्नाइज भी कर रहे हैं अपने आप को। मिनरल्स भी बहुत सारे मिलते हैं यहाँ पर, जो जिसमें आयरन, फास्फोरस, मैग्नीज, यूरेनियम, ये सारे मिनरल्स यहाँ पर पाए जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ओके, और इसके साथ साथ जो आपके कल्चरल लैंडस्केप की बात करें, अब यहाँ पे मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। पहले कैमल से जहाँ लोग सवारी किया करते थे, कैमल से जहाँ लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करते थे, आज के टाइम में ट्रांसपोर्ट सिस्टम बदलने की वजह से बस का प्रयोग होता है, ट्रक्स का प्रयोग होता है, हाईवेज बन गए हैं, बहुत सारे आधुनिक जो संरचनाएं होती हैं वो बन गई हैं, और लोग यहाँ पर जो है काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स को अडॉप्ट करना सीख रहे हैं। ओके, और जो पहले के जो नोमैडिक हर्ड्समैन थे, जैसे जो पशुओं को जो चारा खिलाते थे एक जगह से दूसरी जगह ले जा करके, तो वो जो नोमैडिक हर्ड्समैन होते थे, अब वो भी धीरे धीरे वो कामों को छोड़ करके ये क्या कर रहे हैं कि अब सेटल हो रहे हैं, सिटीज़ में जा करके कोई एक जॉब ढूंढ रहे हैं, तो ये सारा काम यहाँ पे हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा ट्रांजिशनल स्टेज इस समय चल रहा है। अच्छा, हमने ओआसिस की बात करी तो ओआसिस में देखिए इसे कहते हैं कि कैसे समझते हैं इसको, डिप्रेशंस आर फॉर्म्ड व्हेन द विंड ब्लोज अवे द सैंड्स। हमने कहा कि जब ये डिप्रेशंस कब बनते हैं, जब हवाएं जो है यहाँ से सैंड्स को उठा करके कहीं और लेकर चली जाती हैं। अभी हमने देखा कुछ देर पहले, इन द डिप्रेशन डिप्रेशंस वेयर अंडरग्राउंड वाटर रीचेज द सर्फेस, हमने कहा नीचे से पानी ऊपर आ जाता है। ओके, एंड ऑसिस इज फॉर्म, और यहाँ पे ऑसिस बन जाता है, देयर दीज एरियाज आर फर्टाइल होते हैं, यही इसलिए यहाँ पे लोग रहना शुरू कर देते हैं, और ये वाटर बॉडीज के किनारे किनारे ये पाम ट्रीज वगैरह भी लगा देते हैं, और काफ़ी ज़्यादा ये एक तरह से देखा जाए तो रहने के काफ़ी योग्य होता है ये स्थान। ओके, सबसे बड़ा जो ऑसिस है ये 13,000 स्क्वायर किलोमीटर का है, जो कि मोरक्को में मिलता है, तो ये भी एक प्रकार का बहुत ही चमत्कारिक कह सकते हैं एक लैंड फॉर्म हमें देखने को मिलता है डेजर्ट जैसे एरिया में, कि अचानक से पानी आ जाता है और चीज़ें बड़ी अच्छी हो जाती हैं। ओके, तो हमने ये देखा एक हॉट डेजर्ट की बात करी, अब हम बात करेंगे एक कोल्ड डेजर्ट की। हमें दो टाइप्स के डेजर्ट पढ़ने हैं इस चैप्टर में, तो हम कोल्ड डेजर्ट की बात करने के लिए हम एक एग्जाम्पल देंगे लद्दाख का, जो कि हमारे ही देश का है। ओके, लद्दाख में आप देखेंगे लद्दाख जो शब्द है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, एक का मतलब होता है ला, एक है ला जिसका मतलब होता है माउंटेन पास, और दूसरा मतलब है दाक जिसका मतलब होता है कंट्री। ओके, तो लद्दाख माउंटेन पास कंट्री। ओके, तो ये क्या है, देखिए कोल्ड डेजर्ट से जैसे नाम ही समझ में आता है कि काफ़ी ठंडा होगा ये एरिया, तो हमारे जो जम्मू कश्मीर का जो पार्ट है हमारा, जो जम्मू कश्मीर एक स्टेट है उसके ईस्टर्न साइड में, हालांकि अब जम्मू कश्मीर एक स्टेट ना होकर के जम्मू कश्मीर एक टेरिटरी हो गया है और लद्दाख भी एक टेरिटरी हो गया है, तो लद्दाख को हम कह सकते हैं कि ये लद्दाख क्या है, जम्मू कश्मीर के ईस्टर्न वाले पार्ट में हमें देखने को मिलता है, जम्मू कश्मीर के ईस्ट एरिया में है। ओके, और इसकी जो फैलावट है ये काराकोरम रेंज नॉर्थ में और जास्कर माउंटेन्स नीचे साउथ में, इन दोनों के बीच में है ये। ओके, तो काराकोरम और जास्कर ये दोनों इसको अपने बीच में रखे हुए हैं। इंडस रिवर जो है काफ़ी फेमस है, ये इसके थ्रू फ्लो करती है लद्दाख के थ्रू ही, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रिवर्स जो हैं वो डीप वैलीज और गॉर्जेस बनाते हैं, कई सारे ग्लेशियर्स यहाँ पे मिलते हैं, जैसे गंगरी ग्लेशियर एक एग्जाम्पल है। इसी साथ साथ बात करते हैं तो ये काफ़ी इसमें टोपोग्राफी में काफ़ी डिफरेंस आता है, काफ़ी ऊंचाई भी है, काफ़ी
नीचे भी मतलब नीचे से लेकर काफ़ी ऊंचाई तक ही जाता है, जैसे 3000 मीटर से लेकर के 8000 मीटर तक यहाँ पर आपको मिलेंगे जो लैंड फॉर्म्स हैं। तो अल्टीट्यूड यहाँ पे देखें तो कारगिल 3000 मीटर की ऊंचाई पर है, उसके बाद आप देखें काराकोरम तक तो जाते हैं जो कि 8000 मीटर की ऊंचाई तक है। तो काफ़ी ज़्यादा लैटिट्यूड में डिफरेंस है, काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई में डिफरेंस है। इसकी वजह से क्या होता है, क्लाइमेट में भी डिफरेंस आता है, क्योंकि जो ऊंचा वाला क्लाइमेट होगा वहाँ पे कंडीशंस बहुत ही ज़्यादा हार्श होगी, बहुत ज़्यादा ठंड होगी, वहाँ पे बर्फबारी होगी, वहाँ पे ग्लेशियर्स बनेंगे, वहाँ पे जो पहाड़ होंगे पर्वत होंगे बिल्कुल वो स्नो से ढके हुए होंगे। ओके, इसी प्रकार से इसी वजह से जो क्या होगा कि जब यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होगा, ऊंचाई बहुत ज़्यादा होगी, तो ऊंचाई ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, जो सन की लाइट है वो बहुत ही ज़्यादा आ पाएगी, सन की लाइट बहुत ज़्यादा महसूस होगी, बहुत ही इंटेंसली फील की जा सकेगी। इसकी वजह से क्या होगा कि जो समर का टाइम होगा वहाँ पे टेम्परेचर दिन के समय में काफ़ी बढ़ जाया करेगा, और रात का टेम्परेचर तो बिल्कुल -30 -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाया करेगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर नॉर्मली जो है दिन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी गर्मी नहीं कह सकते, ये चुभती है, जैसे सनलाइट जो है वो बहुत चुभती है, बहुत तेज़ी से आपको लगेगी कि बहुत तेज़ी से सनलाइट पड़ रही है। और ठंड के टाइम में या फिर रात्रि के टाइम में टेम्परेचर जो है -30 या फिर जो विंटर का टाइम आता है तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि दो चीज़ें यहाँ मिलती हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, ये एक टेबल है और इस टेबल पे एक व्यक्ति मान लीजिए बैठा हुआ है। ओके, अब बैठने के बाद ये व्यक्ति यहाँ पे ये ऐसे बैठा हुआ है। ओके, इसका ये पैर है, ये हाथ है, ये मुंह है। तो अब मान लीजिए कि यहाँ पे ये सनलाइट आ रही है इतने एरिया में, ध्यान रखेंगे, ध्यान से देखेंगे फिगर को। अब इस एरिया में सनलाइट आ रही है और यहाँ पे सनलाइट नहीं है, तो एक ही समय पर एक व्यक्ति एक जगह वो उसे बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होगी और दूसरी जगह उसे बहुत ज़्यादा ठंडी महसूस होगी। तो यहाँ पे वो फ्रॉस्ट से ग्रसित हो सकता है, फ्रॉस्ट से, और यहाँ पे वो झुलस सकता है। ओके, तो सन की गर्मी की वजह से झुलस सकता है और यहाँ पे ठंड की वजह से उसे फ्रॉस्ट भी हो सकता है। तो ये दोनों चीज़ें एक ही व्यक्ति के साथ एक ही समय पर हो सकती हैं, इस प्रकार के यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस होते हैं। ये हमने देखा यहाँ पर लद्दाख का, देखिए एक पूरा यहाँ पे मैप दिया हुआ है, इधर आप काराकोरम से लेकर जो जास्कर रेंज है उसके बीच में ये पड़ता है, बीच में देखिए इंडस रिवर यहाँ पे फ्लो कर रही है, और इंडस रिवर के राइट साइड बैंक पे जो है लेह यहाँ पे स्थित है, इसको भी ध्यान रखेंगे। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है दैट लेह इज सिचुएटेड ऑन विच साइड ऑफ द रिवर इंडस, तो हम कहते थे राइट साइड ऑफ द रिवर इंडस। ओके, यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर्स है, ये देहरादून पास है, तो इस चीज़ों को आप यहाँ पे देख सकते हैं, बारालाचला, रोहतांग पास, हिमाचल प्रदेश का हिस्सा। ओके, तो ये हमने देखा यहाँ पे इस मैप को। अब आइए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि यहाँ पर जो हमने अभी कुछ देर पहले बात करी कि फ्रॉस्ट बाइट और सन स्ट्रोक, ये दोनों एक साथ हो सकता है एक व्यक्ति के साथ, अगर उसके कुछ हिस्से पर जो है उसके शरीर के कुछ हिस्से पर अगर सूर्य की रोशनी पड़ रही है तो उसे वहाँ पर सन स्ट्रोक हो सकता है, और जहाँ पर उसके उसके हिस्से पर सन की रोशनी नहीं पड़ रही है वहाँ पर उसे फ्रॉस्ट बाइट भी हो सकता है। तो ये दोनों कंडीशंस एक साथ वो व्यक्ति फील कर सकता है। ओके, तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। लद्दाख को एक और नाम से जाना जाता है जिसका मतलब है, जिसका नाम है खापा चांग, तो खापा चांग के नाम से भी जाना जाता है लद्दाख को, जिसका मतलब है स्नो लैंड, स्नो लैंड। ओके, अब हमने बात किया यहाँ पे कि कैसे किस प्रकार के यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं। अब बात करते हैं फ्लोरा एंड फौना, यहाँ पर जो वनस्पतियाँ हैं, यहाँ पर जो एनिमल्स मिलते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। तो देखिए बहुत ज़्यादा चूंकि एरिडिटी है, बहुत ज़्यादा शुष्कता यहाँ पे है, इसलिए जो वेजिटेशन है, जो वनस्पतियाँ बहुत ही स्पार्स हैं, बहुत ही ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगी, बहुत ही फैली हुई मिलेंगी, स्कैंटी पैचेस पैचेस होंगे, दूर दूर तक फैले हुए ग्रास लैंड होते होंगे, झाड़ियाँ होंगी जो कि एनिमल्स के लिए होती हैं, एनिमल्स उसे ग्रेज करते हैं, खाते हैं, और ग्रोव्स ऑफ विलोज और पोपलार्स, ये जो है एक तरह से पीपल होते हैं लद्दाख की, मतलब ठंड वाले पीपल होते हैं, तो इन्हें हम पोपलार्स भी कहते हैं। तो ये कुछ प्रकार की वनस्पतियाँ जो हमें वैली में दिखाई देती हैं। ओके, और ड्यूरिंग द समर फ्रूट ट्रीज सच एज एप्पल, एप्रिकॉट्स, वॉलनट्स, ये भी हमें देखने को मिलते हैं। तो एप्पल्स, एप्रिकॉट, वॉलनट्स, ब्लूम, ये ट्रीज जो होते हैं वो गर्मी के समय में यहाँ पर उगाए जाते हैं। ओके, सेवरल स्पेसीज ऑफ बर्ड्स लाइक, जैसे कह सकते हैं रॉबिन्स हो गया, रेड स्टार्स हो गया, तिब्बतियन स्नो कॉक हो गया, रैवन हो गया, होपू, ये सब जो बर्ड के स्पेसीज हैं यहाँ पे ये कॉमन मिलते हैं, और कई सारे इसमें जो है माइग्रेटरी बर्ड हैं, मतलब कि ये एक जगह से दूसरे जगह पर आते हैं, परमानेंट यहीं के नहीं होते हैं। और यहाँ पे जो एनिमल्स की बात करें तो वाइल्ड गोट्स, वाइल्ड शिप, याक, स्पेशल काइंड ऑफ डॉग्स यहाँ पे मिलते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं यहाँ के लोगों की कई सारी चीज़ों से, जैसे अपनी मिल्क से हेल्प करते हैं, मीट से, और इनके खालों का भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और ये काफ़ी ज़्यादा बटर, चीज़ इत्यादि कब, मतलब एक तरह से
इनके जीवन के एक बहुत ही अभिन्न अंग होते हैं, इनकी लाइफ को पॉसिबल वहाँ पे बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। ओके, इनके कपड़ों से, इनके बालों से बहुत ही ज़्यादा गर्म कपड़े बनाए जाते हैं जो कि इनको ठंड प्रदेशों में रहने में हेल्प करते हैं लोगों को। तो काफ़ी ज़्यादा एनिमल्स और ह्यूमन का यहाँ पे इंट्रैक्शंस है और एक दूसरे के काफ़ी वो काम आते हैं। ओके, क्या आपको पता है कि द चीरू या फिर जिसे हम कहते हैं द तिब्बतियन एंटीलोप इज एन इनडेंजर्ड स्पेसीज, ये क्या है? बहुत ही खतरे में इसमें जो ये एक स्पेसीज है ये खतरे में है और ये लगातार जो है हंट किया जाता है इसके वूल के लिए, इसके ऊन के लिए जो कि सैतूस के नाम से जाना जाता है इसका जो वूल होता है, और ये बहुत ज़्यादा गर्म करता है। तो चिरू या फिर जिसे कहते हैं तिब्बतियन एंटीलोप ये एक प्रकार की स्पेसीज है जो कि इंडेंजर्ड कैटेगरी में है IUCN की लिस्ट में, और इसको हंट किया जाता है लगातार इसके ऊन के लिए जिसे हम सैतूस भी कहते हैं, और ये बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का ऊन होता है, बहुत ज़्यादा ये गर्म रखता है। ओके, तो ये हमने देखा फ्लोरा एंड फौना के बारे में। अब बात करते हैं लोगों के बारे में, दैट लोग यहाँ पे कैसे हैं, किस प्रकार के हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो ज़्यादातर लोग हैं वो मुस्लिम्स और बुद्धिज़्म इट मीन्स इस्लाम और बुद्धिज़्म इन दो धर्मों को फॉलो करने वाले लोग होते हैं, और ये काफ़ी पॉपुलर यहाँ पे धर्म है, और इस वजह से यहाँ पे देखेंगे कई सारे मोनेस्ट्रीज हैं, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज का यहाँ पे स्थापना किया गया है, और इसमें जो है ट्रेडिशनल जो मोनेस्ट्रीज जैसे गोमपास कहते हैं, और जो कुछ फेमस मोनेस्ट्रीज हैं उसमें हेमिस वाला एरिया, टिक्से शे लामा यूरू, ये सब फेमस मोनेस्ट्रीज हैं, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हैं। ओके, जिसको आप ध्यान रखेंगे इन वर्ड्स को। और क्रिकेट के जो बैट, सबसे अच्छा क्रिकेट का जो बैट बनता है वो विलो ट्री से बनता है। विलो ट्री एक प्रकार की पहाड़ी लकड़ी होती है, उसके माध्यम से क्रिकेट का सबसे अच्छा क्वालिटी का बैट बनता है, तो वो भी इस एरिया में पाया जाता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। एक एग्जांपल हमें यहाँ पे फोटो दिखाई देता है जो कि टिक्से मोनेस्ट्री का है, देख पा रहे हैं आप, ये टिक्से मोनेस्ट्री है। ओके, समर के सीजन में लोग क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा बिजी होते हैं खेती करने में, तो वो बार्ले, पोटैटो, पीस, बीन्स, टर्निप इन सब की खेती करते हैं और खूब सारा धन कमाते हैं, अपने लिए भी व्यवस्था करते हैं। और इसके साथ साथ जब विंटर का सीजन आता है तो ये फेस्टिवल्स इत्यादि में, कई सारे सेरेमनीज में बहुत ही इंगेज कर लेते हैं अपने आप को। और यहाँ पे जो महिलाएं होती हैं वो बहुत ज़्यादा काम करती हैं, दे वर्क रियली हार्ड, वो खेतों में भी काम करती हैं, वो घरों में भी काम करती हैं, इसके अलावा वो दुकानों पर भी काम करती हैं, तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग होती महिलाएं। अच्छा, ले जो कि कैपिटल है लद्दाख का, ये बहुत ही अच्छे से रोड के द्वारा, एयर के द्वारा कनेक्टेड है। नेशनल हाईवे 1A जो है ये लेह को कश्मीर से जोड़ता है जोजिला पास के थ्रू। ओके, तो ये हमें देखने को यहाँ पे कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मिला कि लेह को कश्मीर से जोड़ा जाता है जोजिला पास के थ्रू, और ये नेशनल हाईवे 1A के द्वारा कनेक्ट किया जाता है। कुछ और यहाँ पे पासेज हैं, जैसे मनाली को ले मनाली से जब आप ले हाईवे क्रॉस करेंगे तो 4 पासेज के माध्यम से आप क्रॉस करेंगे। कौन कौन से 4 पासेज हैं? रोहतांगला, बारसला, लुंगाचला और तांगला, ये 4 पासेज ऐसे हैं जिन जब आप मनाली से निकलेंगे तो ले हाईवे पे इन 4 पासेज के माध्यम से आप आगे बढ़ेंगे। और ये जो जो हाईवे है ये हमेशा नहीं खुला रहता है, ये तब केवल जुलाई से सितंबर के बीच में खुला होता है, क्योंकि इसी दौरान इस पर जमी हुई जो बर्फ होती है उसको हटाया जाता है, उसके बाद फिर यहाँ पे बर्फ इकट्ठा होने लगते हैं। लेह लद्दाख का जो क्षेत्र है ये टूरिज्म के लिए काफ़ी फेमस है, यहाँ पे लोग टूरिस्ट आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं, इंडिया से भी लोग देखने आते हैं, अब्रॉड से भी देखने आते हैं। गोमपास जो होता है इसको देखते हैं लोग, जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हैं, ट्रेकिंग करते हैं, मियांडो जो घास के बड़े बड़े मैदान होते हैं, ग्लेशियर्स होते हैं, इन सब को देखने के लिए वो आते हैं। और कई सारी जो फेस्टिव सेरेमनीज होती हैं, कई सारी यहाँ पे जो इनकी अपनी ट्रेडिशनल सेरेमनीज होती हैं उनको देखने भी लोग यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे होती हैं टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आजकल टाइम में ये सारे पीपल जो यहाँ पे वो मॉडर्नाइजेशन के दौर से गुजर रहे हैं, अब यहाँ पे ढेर सारी चीज़ों को वो लर्न कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मॉडर्नाइजेशन के दौर से गुजरने के बावजूद भी इन्होंने अपने ट्रेडिशनल चीज़ों में और मॉडर्नाइजेशन चीज़ों में बहुत ही अच्छा बैलेंस बना कर रखा है जो कि काबिले तारीफ है। ओके, तो इन चीज़ों को हम यहाँ पर देख पाते हैं। ओके, एक चीज़ और आप सभी जान लें कि अब आगे के जो लेक्चर्स होंगे क्लास 7th के बाद, जो क्लास 8th के लेक्चर होंगे ज्योग्राफी के और इसके बाद दूसरी NCERTs के, वो सारे ही लेक्चर आपके जो दूसरा एक चैनल है उसका नाम है चांसलेट टाइम, इस पर अपलोड किए जाएंगे, तो आप सभी चांसलेट टाइम को ज्वाइन कर लें। ओके, तो डियर स्टूडेंट, ये रहा हमारा आज की वीडियो, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। इसके बाद मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।